केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद उत्तराखंड भाजपा में जश्न का माहौल है। उपचुनाव में मिली जीत की खुशी में देहरादून में भाजपा ने विजयी जुलूस निकाली। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बता दें कि सबसे पहले भाजपा मुख्यालय में सीएम धामी का अभिनंदन किया गया, उसके बाद सर्वे चौक से बीजेपी मुख्यालय तक भाजपा का विजयी जुलूस निकाला गया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि केदारनाथ की ऐतिहासिक जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है, साथ ही विकास पर जनता की एक मुहर भी है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले तो बाबा केदार को नमन करता हूं। मैं बाबा केदार को नमन करता हूं और श्री केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के सभी देवतुल्य मतदाताओं का हृदय से आभार करता हूं, उनको नमन करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को अब तक उत्तराखंड राज्य गठन के बाद हुए सभी चुनाव से अधिक मत देकर ऐतिहासिक विजयश्री दी है, अपना आशीर्वाद दिया है। ये जीत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, जिनके नेतृत्व में 2013 की प्रलय के बाद भव्य केदार और दिव्य केदार का मार्ग प्रशस्त हुआ, वो बनना प्रारंभ हुआ। ये जीत विकास की जीत है, ये जीत सनातन की जीत है, ये जीत केदारनाथ विधानसभा के लोगों की जीत है, ये जीत हमारे सभी कार्यकर्ताओं की जीत है, ये जीत उत्तराखंड के लोगों की जीत है। और ये हार क्षेत्रवाद करने वाले कांग्रेस पार्टी के लोगों की हार है, ये हार जातिवाद करने वाले लोगों की हार है, ये हार झूठ और भ्रम फैलाने वाले लोगों की हार है, ये हार सनातन का विरोध करने वालों की हार है।